पूरे देश की आंखें नम हैं। अपनी कॉमेडी से सभी को हंसाने वाले राजू ने जाते जाते सभी को रुला दिया। 42 दिन तक अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ने के बाद राजू ने 21 सितंबर को आखिरी सांस ली और आज दिल्ली के निगम बोध घाट में राजू का अंतिम संस्कार किया गया। राजू को उनके परिवार वालों ने नम आंखों से विदा किया। राजू के अंतिम सफर में पूरा देश उनके साथ खड़ा था। उनके जाने के बाद भी उनके फैंस और उनके चाहने वालों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। आज उनके अंतिम सफर में भी हजारों का सैलाब देखने को मिला। राजू श्रीवास्तव का जब पार्थिव शरीर निगम बोध घाट लाया गया तो कई जाने माने चेहरे भी उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंचे। फैंस और परिजनों के पहुंचने का सिलसिला घंटों तक जारी रहा। कानपुर से राजू के कई दोस्त दिल्ली आए थे। यूपी के पर्यटन मंत्री सुनील पाल, मधुर भंडारकर, कई जाने माने बड़े चेहरे राजू को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। भारी भीड़ के बीच राजू अमर रहे के नारे भी लगते रहे। अंतिम सलाम करने बॉम्बे से आए हैं, दुखी मन है, बात करने की हिम्मत नहीं है, मगर एक कॉमेडियन को विदा कर रहे हैं तो थोड़ी सी हंसी जरूर है। उन्होंने दुनिया को हंसना सिखाया। 15 साल की हमारी दोस्ती थी विपुल जी, 2005 से हम लोग साथ में थे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के बाद से। बॉम्बे टू गोवा फिल्म हम लोगों ने साथ की थी और स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ये दुनिया में जाने जाएंगे। ये देश में जब तक के कॉमेडी रहेगी, राजू श्रीवास्तव हमारे बीच अपने आइटम के जरिए, गजोधर के जरिए और ऑडियो वीडियो के जरिए, अपनी फिल्मों के जरिए जीवित रहेंगे, दिलों में रहेंगे। हम उनको आखिरी सलाम पेश करने आए। बस यही कहना चाहूँगा कि भैया बड़ा बुरा लग रहा है और असहनीय लग रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। काश ये अफवाह हो, काश कुछ चमत्कार हो जाए। 42-43 दिन तक जो हमने प्रार्थनाएं की, विश्वास था कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा, लेकिन सारी की सारी प्रार्थनाएं धरी की धरी रह गई। कुदरत ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, बहुत बड़ा अन्याय। लेकिन जब तक स्टैंड अप कॉमेडी जिंदा रहेगी तब तक राजू श्रीवास्तव जिंदा रहेंगे। राजू श्रीवास्तव अमर है। राजू श्रीवास्तव के यूं अचानक अलविदा कहने से सभी गमगीन हैं। सोशल मीडिया पर नम आंखों से फैंस और सेलेब्स कॉमेडियन को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो चेहरा जो हमेशा हंसता हुआ ही नजर आया था, चाहे टीवी स्क्रीन हो या कोई भी प्लेटफॉर्म, अपने शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर की बदौलत करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले राजू का यूं अलविदा कहना सबके लिए बेहद चौंकाने वाला है। राजू श्रीवास्तव के निधन का सुनकर बहुत दुख हुआ, मन विचलित हुआ, उदास हुआ। एक चुप्पी सी छा गई है मुझ में, वातावरण में। बहुत अच्छे कॉमिक एक्टर तो वो थे ही, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे और बड़े दया भाव रखते थे। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते थे। जब भी मिलते थे गर्म जोशी से मिलते थे, तपाक से मिलते थे, गले लगकर मिलते थे। ये खबर जो आई है इतनी शॉकिंग रही कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन को एक 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 सम्मान दिलवाया, उनकी कमाई का जरिया बने, इंटरनेशनल ब्रांड थे राजू श्रीवास्तव जी। आज उनका जाना सबसे बड़ी क्षति उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी बिटिया, उनके बच्चों को है। बिकॉज एक अच्छे पिता थे, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे भाई थे, एक अच्छे पुत्र थे, अच्छे मित्र थे। अपने करियर की बुलंदियों को छूने के बाद राजू ने राजनीति में भी कदम रखा था। राजनीति में भी वो धीरे धीरे एक अलग पहचान बनाने में लगे थे, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 10 अगस्त को राजू को दिल्ली में कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। बाद में उनकी बॉडी में मूवमेंट होने की खबरें भी सामने आई थी। परिवार और फैंस को आस थी कि राजू ठीक हो जाएंगे, पर किसे पता था राजू यूं सभी की उम्मीदों को तोड़ते हुए दुनिया को अलविदा कह देंगे।
राजू अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। राजू श्रीवास्तव के परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये पल राजू और उनके सभी चाहने वालों के लिए बेहद मुश्किल है।